तीसरे दिन के लिए निकल चुके हैं रास्ते की ओर, क्या चलने की ओर निकल चुके हैं और क्या रास्ते की ओर। थोड़ा लेट हो गया है आज, देखते हैं। बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये रास्ते हम लोगों के, हर्ष वाजपेयी जी हैं। बस पहुंच चुके हैं पार्क की ओर, पार्क में प्रवेश का रास्ता ही एकदम स्लिम है। चुके हैं पार्क में, कितना मिनट लगा, क्रिकेट का भी आयोजन किया गया है, क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा बना हुआ, बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। रिन्यूएबल मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है मार्ग, जो कि स्लिम फिट लोगों के लिए है। एकदम बांस का पूरा मंडप बना रहे हैं ये लोग शानदार डिजाइनिंग के द्वारा। पार्क में कुआं नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही पुराना पार्क लग रहा है, जहाँ पे कुआं है ना, बहुत ही पुराना पार्क लग रहा है। और ये खेलने कूदने की जगह है बच्चों के लिए, जिम आदि का व्यवस्था कर दिया गया। और इस विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे जो दीप प्रज्वलन किया गया है वो देख सकते हैं। पूजा पाठ भी हो रहा है पार्क में शानदार। ये सुधांशु की वेदी थी, चार्ट एकदम तरीके से लेके यहाँ आ गए हैं फिटनेस सेंटर पे। और अभी 10 मिनट चलेंगे तो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, और लगभग एक प्लेट चाट बिल्कुल तेल वाला लेके आ रहे हैं। अभी हम मटर का चाट खा के आ रहे हैं, वो पैसा देके। तो देखते हैं आज सुधांशु द्विवेदी जी क्या कमाल करते हैं ग्राउंड में, और बहुत ही ऊर्जा से भरपूर लग रहे हैं। लग रहा है कि पेड़ों पर चढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। और मौसम बहुत ही शानदार होता हुआ, इसी बीच पानी है कह रहे हैं सुधांशु जी। मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए हैं आज, ये वाला चाट केवल अपना ही तरीके से लिए हैं, कोई बात नहीं, मुझे खाना भी नहीं था आज। फिर 30 सेकंड में राजीव दीक्षित जी के बारे में पढ़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए सुधांशु द्विवेदी जी के द्वारा पोस्ट किया जा रहा है, और मैं जरूर देखूंगा। और हम लोग वापस चल दिए हैं, 1 घंटे की वर्कआउट हुई होगी।